किए जाने वाले बूढ़ी स्थित फिल्टर प्लांट हुआ जर्जर, मरम्मत नहीं होने पर हो सकती है बड़ी घटना। अधिकारियों ने दी जानकारी, मरम्मत के लिए बजट का भेजा जा चुका है प्रस्ताव। नगरीय निकाय चुनाव में महिला मतदाता के आशीर्वाद से ही पक्की होगी उम्मीदवारों की जीत। जिले के सभी 4 नगरीय निकायों में पुरुष मतदाता की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक। नवतपे के अंतिम 3 दिनों के दौरान चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी ने जिलेवासियों को किया परेशान। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों तक ऐसा ही बना रह सकता है मौसम। बाईस मई को शहर के भटेरा चौकी पेट्रोल पंप के सामने से चोरी हुई पिकअप दुगलई के जंगल से की गई जब्त। कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई, पिकअप के साथ चोरी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दो जून की दोपहर को बारासुनी रोड पर पुलिस लाइन के सामने चलती गाड़ी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर पाया काबू। आग की वजह से कार के पिछले हिस्से को हुआ नुकसान। बरघाट निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक ज्ञानदास मिश्राम बालाघाट बूढ़ी वार्ड नंबर 14 स्थित अपने दामाद मनोज सोनटक के घर आ रहे थे, इस दौरान अचानक गाड़ी के पिछले हिस्से में लगी थी आग। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करने के लगभग 1 महीने बाद शुरू किया गया मार्कशीट का वितरण। उत्कर्ष स्कूल से जिले के 369 संस्थाओं के लिए शुरू किया गया मार्कशीट का वितरण। लालबरा नगर मुख्यालय से लगी हुई पनवेरी पंचायत स्थित गढ़वाल मंगल भवन में गढ़वाल समाज के द्वारा 5 दिवसीय संस्कार शिविर का किया गया आयोजन। बच्चों को सिखाए जा रहे हैं संस्कार। लालबरा नगर मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत मानपुर के वार्ड नंबर 3 अस्पताल कॉलोनी में स्थानीय जनों की शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है साफ सफाई, लोगों में आक्रोश व्याप्त। संभागीय युवा सम्मेलन में शामिल होने बारासुनी खैलांजी विधानसभा के 4 सैकड़ा युवा भाजपा कार्यकर्ता जबलपुर के लिए हुए रवाना। पंचायत चुनाव को लेकर बारासुनी पुलिस दिखी अलर्ट मोड पर। थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी के द्वारा जनपद पंचायती संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का किया गया निरीक्षण। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद बारासुनी नगर पालिका क्षेत्र में की गई संपत्ति विरूपण की कार्रवाई, हटाए गए राजनीतिक दलों से जुड़े हुए बैनर्स और पोस्टर्स। सरकार के द्वारा दिव्यांगों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजना के दावे की खुली पोल। लांजी क्षेत्र के दिघोरी निवासी दिव्यांग महिला ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दिव्यांग विवाह सहायता की राशि नहीं मिलने की बताई परेशान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नाम निर्देशन पत्र जमा करने के 4th दिन जिला पंचायत सदस्यों के प्रत्याशियों ने जमा किया नाम निर्देशन पत्र। जिले की पंचायत और शहरी स्तर पर 1967 का जन्म मृत्यु का नहीं मिला कोई रिकॉर्ड, परेशान हो रहे लोग, लगा रहे सरकारी कार्यालय के चक्कर। जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 16 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में आरोपी राजकुमार निवासी हट्टा को 3 वर्ष का हुआ सश्रम कारावास। लालबरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम निर्देशन पत्र जमा करने के 4th दिन 21 प्रत्याशियों ने जमा किया नाम निर्देशन पत्र।